हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वॉर पाथ के बारे में, उसके ओरिजिन और कुछ फैक्ट्स को बात करेंगे आज हम। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी अभी अपने चैनल का नाम चेंज किया है, तो आपको कुछ पहली वाली वीडियोस में एक सेम नाम सुनाई देता होगा, तो प्लीज़ यार उसे इग्नोर कर लेना। तो उसे क्रिएट किया था क्रिस क्लेरमोंट ने, और ये सबसे पहले अपीयर हुआ था एक्समैन इशू 16 की वॉल्यूम 1 में, आई मीन न्यू म्यूटेंट्स इशू 16 की वॉल्यूम 1 में। ये बॉर्न हुआ था कैंप अपैच में, और इसका एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है जॉन प्रॉडस्टार, तो पॉपुलरली थंडरबर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और एक मिशन के दौरान जॉन मारा जाता है, जिसके कारण जेम्स बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है और गुस्सा भी, और उसके मन में खून खौलने लगता है, और वो प्रोफेसर एक्स के खिलाफ बदला लेना चाहता है। प्रोफेसर एक्स से बदला लेने के लिए वो अपने आपका कोड नेम, पहले तो वो जेम्स प्राउडस्टार से अपना नाम थंडरबर्ड रखता है, अपने भाई का नाम, और अपने भाई का कॉस्ट्यूम पहन के वो प्रोफेसर एक्स को मारने की सोचता है। और यहाँ तक कि वो एमा फ्रॉस्ट की हेलियंस टीम को भी ज्वाइन करता है। लेकिन हेलियंस टीम को ज्वाइन करने के बाद जब वो लोग न्यू एक्समैन से सबसे पहले लड़ने जाते हैं, तो वहाँ वो लोग देखते हैं कि किटी प्राइड जो ने लीड कर रही थी, वो ने इतने सही से लीड कर रही थी कि वो लोग इन पे यानी कि कुछ सीनियर्स पे भारी पड़ रहे थे, और एमा फ्रॉस्ट इसलिए पीछे हट जाती है, और यहाँ तक कि जेम्स रॉडस्टार को भी समझाती है कि पीछे हटना ही सबसे सही फैसला होगा। लेकिन वो ना मान के बैंशी को किडनैप करके उसी आइलैंड पे लाता है जहाँ पे एक टाइम पे जॉन मरा था, यानी कि चेन माउंटेन कॉम्प्लेक्स, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर एक्स को लाने के लिए, जो आ ही जाता है। यहाँ पर वो जब प्रोफेसर एक्स को मारने जाता है, तो उसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि उसके भाई की आखिर मौत कैसे हुई, और वो ज्वाइन ही कैसे हुआ था एक्समैन में। और इतने सारे डाउट्स के वजह से वो एक्समैन को छोड़ देता है, और यहाँ तक कि प्रोफेसर एक्स को भी। लेकिन उसे प्रोफेसर एक्स एक ऑफर भी देते हैं अपनी टीम में ज्वाइन करने का, लेकिन वो वहाँ ज्वाइन ना करके उल्टा हेलियंस छोड़ के चला जाता है। केवल भी उसे एक ऑफर करता है कि वो उसकी न्यू म्यूटेंट की टीम और या एक्सफोर्स की टीम ज्वाइन कर सकता है, लेकिन ये सब बात ना मान के वो केबल का ऑफर भी ठुकरा देता है। जिसके बाद वो जब अपने घर वापस जाता है, तो देखता है कि उसका पूरा ट्राइब यानी कि उसका पूरा परिवार मार दिया गया था। और जब वो देखता है कि एक असल में एक एलियन के मर्सिनरी ने ये सब किया था, तब वो और गुस्सा हो जाता है, और इस बार वो एक्समैन ज्वाइन करने की सोच ही लेता है। वो न्यू म्यूटेंट्स में ज्वाइन करता है अपना नाम वॉरपाथ रखते हुए, और इसके बाद रिवेंज गेन करने के लिए वो सबसे पहले तो ब्रदरहुड ऑफ ईविल म्यूटेंट से लड़ता है, और इसके बाद वेपन प्राइम से भी लड़ता है। एज अ पार्ट ऑफ एक्स फोर्स वो बहुत ज़्यादा काम बन जाता है, और यहाँ तक कि उसकी सबसे पॉपुलर दोस्ती सायरिन या तो थेरेसा रुकी कसीडी, सच कहूँ तो बैंशी की ही बेटी से होती है। वो सायरिन से बहुत प्यार करता था, लेकिन सायरिन उसे एज अ फ्रेंड ही देखती थी। सायरिन यहाँ तक उसे ये भी कहते हैं कि एमा फ्रॉस्ट के हेलियंस में कुछ टाइम होने के बावजूद भी उसने उसके परिवार को नहीं मारा। इसके बाद वो रिस्क से भी मिलता है, जो कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है, और वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि रिस्क असल में स्लिज के साथ मिली हुई थी, एक स्लिज नाम के एक व्यक्ति के साथ, और उसका कोई और ही इरादा था, और वो प्यार करती थी, लेकिन स्लेज उसे ब्लैकमेल करके वॉरपाथ को अपने पास लाना चाहता था अपने किसी काम के लिए। और मैं बता दूं, स्लेज कोई विलन नहीं है, स्लेज एक हीरो ही है, बस वो वॉरपाथ की एक काम की हेल्प चाहता है, और वो हेल्प ये थी कि वो वॉरपाथ को चाहता था कि वो उसके पार्टनर यानी कि वैनिशर को डार्क डिमेंशन से खींच के लाए। और वैनिशर को तो आप बहुत लोग जानते ही होंगे, हमने डेडपुल 2 में भी देखा होगा वैनिशर को, जिसका कैमियो सीन प्ले किया था ब्रैड पिट ने। जैसे तैसे करके वॉरपाथ वैनिशर को बचा लेता है, और डार्क डिमेंशन से मेन हमारे अर्थ पे ले आता है। यहाँ पर स्लेज उसे माइकल वुडलैंड नाम के एक व्यक्ति का वो
इंफॉर्मेशन देता है जो कि उसी के ट्राइब का एक पार्ट था। और वो जब माइकल वुडलैंड से पूछता है कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, तो माइकल वुडलैंड बताता है कि स्ट्राइफी यानी कि एक्समैन एक्स फोर्स के पिछले एडवर्सरी यानी कि विलन ने उसके पूरे परिवार को मारा था। अब स्ट्राइफ ही तो एक्स फोर्स का एक पुराना एक विलन था, और एक्स फोर्स फॉर्म ही हुई थी मतलब वॉरपाथ के पेरेंट्स के डेथ के बाद। तो आप समझ ही सकते हो कि क्या कहते हैं एक्स फोर्स मतलब एक्स फोर्स ने शायद अभी तक सायरन को मार ही दिया होगा क्योंकि सायरन विलन था उनका। तो इसलिए वॉरपाथ हेल में जाता है सायरन को खोजने, लेकिन वहाँ पर भी सायरन को ना मार के उल्टा होता है। ब्लैक हार्ट नाम का एक डीमन उसे वापस द लिविंग वर्ल्ड में भेज देता है क्योंकि वॉरपाथ बिना रूल्स के खिलाफ यहाँ पे आया था हेल में, जबकि उसे हेल में नहीं लिविंग वर्ल्ड में होना चाहिए था। लेकिन इसके बाद वो रिस्क से भी अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देता है। ये सब होने के बावजूद वो मुंबई के एक्स कॉरपोरेशन के एक ब्रांच में ज्वाइन होता है थॉर्न फेरल और सनपायर के साथ, और वहाँ पे वो सब मिलके प्रोफेसर एक्स की रक्षा कर रहे होते हैं। इसके बाद केबल और डोमिनो यहाँ तक कि उसे हेल्प भी मांगते हैं एक डीमन स्कॉर्न को मारने के लिए, और वो रेडीली उन्हें हेल्प भी करता है और सक्सेसफुली वो हरा भी देता है स्कॉर्न को। इसके बाद वो कॉर्सर को भी कुछ टाइम के लिए शांत करता है, और यहाँ पर कॉर्सर असल में हेप्सीबा के मौत का ओ सॉरी मैंने गलत बोला है थोड़ा सा प्लीज सह लेना, आई मीन हेप्सीबा कॉर्सर की मौत के गम से गुजर रही थी और इसलिए उसे वॉरपाथ ने संभाला भी था। और वॉरपाथ की मैं एबिलिटीज में बता दूँ तो ये फ्लाई तो ये उड़ भी सकता है, इसके पास रिजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, और मैं आपको बता दूं कि ये अपने एक क्लैप से ही जगरनॉट को भी हिला सकता है, और इसकी पोटेंशियल कोलोसस से भी शायद ज़्यादा ताकतवर है। आई मीन कोलोसस भी तो ताकतवर है ही इसकी तरह, बट हाँ ये जगरनॉट को भी कभी कभी बीट कर सकता है। या यहाँ तक कि जेम्स राउट स्टार यानी कि थंडर बर्ड और टू से वॉरपाथ एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में भी अपेयर हुआ था, जिसे प्ले किया था बोबू स्टेवार्ट ने। अगर आपने देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ तक कि वॉरपाथ अपने आर्सेनल में दो वाइब्रेनियम नाइव्स को भी कैरी करता है, और वो नाइव्स चलाने में तो वो एक्सपर्ट है ही, बल्कि वो कई ऐसे वेपन्स को चलाने में एक्सपर्ट है तो शायद और कोई नहीं चला पाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको दो कोड नेम बताए हैं जेम्स प्राउड स्टार के, और ये आज का इसलिए मेरा प्रश्न है कि आखिर उसका थर्ड कोड नेम क्या है जो उसने कॉमिक्स में रखा था, मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ शेयर कर देना यार, वॉरपाथ की ओरिजिन किसको नहीं किसको पता होगी, हाँ तो कर देना बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड हाँ सब्सक्राइब भी कर ही दो क्योंकि यार देखो मोटिवेशन बढ़ेगा, और मोटिवेशन बढ़ेगा तो और अच्छी वीडियोज आएंगी, और अच्छी वीडियोज आएंगी तो और एंटरटेनमेंट बढ़ेगा, और जब और एंटरटेनमेंट बढ़ेगा तो और खुशी बढ़ेगी। तो बस सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।